नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियोस के अंदर हम सीखने वाले हैं जबरदस्त ट्रिक्स। जैसा कि आप यहाँ पर डेटा देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास में सीरियल नंबर यहाँ पर है और डे यहाँ पर है, यानी सिंगल कॉलम्स के अंदर हमने इसको किस प्रकार से स्प्लिट किया है इस कॉलम को। ठीक है, तो ये हम ये जानेंगे। आप यदि टाइम टेबल बना रहे हो या कुछ भी और आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, जिसके अगर आपको थ्रू आप यहाँ पर एक कॉलम के अंदर आपको टू नेम्स वगैरह चाहिए, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से उसको करना होगा, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं हूँ रवि स्वामी, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एक्सेल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम ये जो फॉर्मेटिंग हमने कर रखी है, ये किस प्रकार से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस कॉलम से हमें लेना है उस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इस प्रकार से हम कॉलम बड़ा कर लेंगे, और उसके बाद में आपको जिस कॉलम पर इस प्रकार से डिवाइड करना है, ठीक है, तो उस पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे और आपको जाना है फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आपको यहाँ पे जाना है, और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा बॉर्डर आता है, यहाँ पे नंबर आ गया, अलाइनमेंट आ गया, फॉन्ट आ गया, और यहाँ पर हमारे पास में बॉर्डर आ गया। तो दोस्तों, जो बॉर्डर होता है वो हमारे उसके पास में यहाँ पर इस प्रकार से एरो यहाँ पर दिख रहे हैं आप, यहाँ पर इस प्रकार से इधर भी है। यदि आपको लेफ्ट राइट जिस प्रकार से आपको चाहिए वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैंने ये लगा लिया। उसके अलावा आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो आपकी लाइन वगैरह है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कर देंगे ओके। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास में लाइन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में फिलहाल तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से डेटा को, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से मैं फॉर्मेट कर देता हूँ इसको इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास में है जो यहाँ पर स्प्लिट हो गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है लिखने के लिए, ठीक है, और उसके आपको अल्ट एंटर से नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पर हमने नीचे आ गए, उसके बाद में आपको लिखना है सीरियल नंबर। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास में सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको लिखना है यहाँ पर डेज, डे लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमने देखा, अब क्या करेंगे, जो हमने डे लिखा है इसको दोस्तों, इसको हम यहाँ पे स्पेस के थ्रू, हम यहाँ पे इसको स्पेस के थ्रू इधर ले आएंगे और इसको एंटर मार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं किस प्रकार से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इनमें। ठीक है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये ठीक है, और मुझे थोड़ा सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में जो है वो डे इस प्रकार से हमारे पास में आ जाएगा, और जो सीरियल नंबर है वो हम यहाँ पर नीचे कंटिन्यू लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो भी इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे एक जो सेल है उसके अंदर हमने डेटा स्प्लिट करके किस प्रकार से टू कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। तो दोस्तों, आयो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी और फैमिली के साथ में भी, ताकि वो भी ये लर्निंग यहाँ पर कर सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।